इस साल प्रदेश में ज्योतिष एवं वास्तु शास्त्र में पहला स्थान प्राप्त करने वाले अनुराग शर्मा आचार्य ने सितारगंज का नाम फिर एक बार रोशन कर दिखाया है। हरिद्वार में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रदेश के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अनुराग शर्मा को स्वर्ण पदक से नवाजा है। बिडोरा मझोला ग्राम सभा में रहने वाले कृष्ण कुमार शर्मा ज्योतिष आचार्य के पुत्र अनुराग शर्मा आचार्य ने ज्योतिष पर पीएचडी भी कर रहे हैं। प्रतिदिन 100 से अधिक लोग उनके स्थान पर अपने घरेलू परेशानी लेकर आते हैं और निशुल्क सेवा करते हैं। सितारगंज से अमर सिंह यादव की रिपोर्ट। ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में कार्य करने पर हमें उत्तराखंड सरकार द्वारा ये प्राप्त हुआ है। ये प्रयास जो आप देख रहे हैं बाहर, उन्होंने देखा, उन्होंने सराहा, फिर हमें बुलाकर के सम्मानित किया। उत्तराखंड सरकार द्वारा ये हर साल किसी एक व्यक्ति को चयनित किया जाता है, उसी में मिला है हमें। आचार्य की जो उपाधि होती है, जब उसमें सर्वाधिक अंक प्राप्त होते हैं पूरे प्रदेश में, तो फिर दिया जाता है विश्वविद्यालय। प्रतिदिन कितने लोग आते हैं और कितने लोगों की समस्या का समाधान हो पाता है, क्या कोशिश रहती है आपकी? अब संख्या के अनुसार अगर मैं बताऊं तो हम 150 से 200 लोग से रोज मुलाकात कर लेते हैं। और अगर मैं एक्चुअली बताऊं इसकी रूट्स, तो मैं इसकी थर्ड जनरेशन हूं। ये गद्दी हमारे दादाजी के द्वारा स्टार्ट की गई थी, फिर हमारे पिताजी हैं जो इसको संभालते थे इस गद्दी पर जो है, फिर उन्होंने आगे फिर हमें इस गद्दी पर बैठाया, फिर हम अब इसी में ही पढ़ाई करते रहे। अभी एक्चुअली हमारी पीएचडी चल रही है इसी विषय से ही, ज्योतिष से ही, तो सेवा में लगे हैं सभी की। समाधान तो परमात्मा करता है, हम तो बता सकते हैं, करने वाला तो वो है, हम वकील हैं, जज तो ऊपर बैठा हुआ है। बहुत खुशी का, बहुत मतलब से व्यक्त नहीं किया जा सकता। मेरे परिवार से मतलब और समझिए आसपास के क्षेत्र से सबसे पहला पुरस्कार है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु का, सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ अपने पिताजी का जो हमें इस लाइन में लगा कर गए, धन्यवाद करता हूँ उत्तराखंड सरकार का और ये सारे समाज का जो इतना विश्वास करता है, इतनी श्रद्धा से हमारे पास आता है। हमारा पूरा प्रयास होता है कि गुरु नानक देव जी महाराज की कृपा से, श्री बालाजी महाराज की कृपा से, माता शेरावाली की कृपा से, इसी प्रकार से लोगों की समस्याएं हम हल करते रहें। करने वाला तो प्रभु है, लेकिन प्रयास यही रहता है कि सार्थक प्रयास हो, कोई व्यक्ति धोखे का शिकार ना हो, किसी को गलत प्रकार से, किसी को गलत रास्ता ना दिखाया जाए, सही रास्ता दिखाया जाए। मेरे पास सभी धर्मों के लोग आते हैं, हमारे पास सभी धर्मों के लोग आते हैं और हमको उसी धर्म के अनुसार उसका उपाय बताते हैं।